स्टूडेंट हाउ आर यू। हम पढ़ रहे थे नाउन में पजेसिव केस। हम इसको कंटिन्यू करते हैं इस पार्ट को, पार्ट 11। इसी को प्रोसीड करते हैं जहां पर हमने प्रीवियस वीडियो में टॉपिक को लीव किया। उसके आगे डी स्टूडेंट आप देखेंगे नेक्स्ट रूल है पजेसिव केस में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है डी स्टूडेंट नाउन के अंदर पजेसिव केस का। ओके पर्सोनिफाइड नाउन, ओके personified things, यदि वस्तुओं को personified कर दिया जाए डियर स्टूडेंट, उनका मानवीकरण कर दिया जाए। क्या कर दिया जाए? मानवीकरण कर दिया जाए उनका। मानवीकरण का डियर स्टूडेंट है उनके एक्शन को ऐसे रिलेट किया जाए जैसे कि वो सजीव हैं। क्या है? सजीव है, उसी को हम personified कहते हैं। यदि personified things हैं तो वी यूज apostrophe s का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे? apostrophe s का यूज करेंगे। जैसे हमने डियर स्टूडेंट लिया फॉर्च्यून स्माइल, भाग्य का मुस्कराना। तो यह फॉर्च्यून को स्माइल किसका एक्शन है? ह्यूमन का है। देख इसको दिया फॉर्च्यून को पर्सोनिफाइड किया गया है डियर स्टूडेंट। जैसे नेचर्स लव होता है डियर स्टूडेंट। क्या होता है? नेचर्स लव, इसको भी पर्सोनिफाइड है। जैसे सन्स फ्यूरी, सूर्य का क्रोध एक्शन, लव स्माइल फ्यूरी, ये सब ह्यूमन बीइंग की क्वालिटी होती हैं, दे दी गई है सन को, नेचर को, फॉर्च्यून को, ये पर्सोनिफाइड हो गया। जैसे नेचर्स ब्यूटी बोला जाएगा डियर स्टूडेंट। क्या बोला जाएगा? नेचर्स ब्यूटी हम बोलेंगे। या हम कहें मृत्यु का दरवाजा, डेथ्स डोर, यहीं से डियर स्टूडेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, आप जरा अच्छे से देखेंगे। ओके जैसे आपने आगे दुख के आंसू, सोरोस टीयर, आंसू तो मनुष्य के निकलते हैं, लिविंग थिंग्स के निकलते हैं, सोरो के थोड़े निकलते हैं, इसलिए सोरोस टीयर हुआ। या क्राउन्स डिसीजन, क्राउन CROW क्राउन्स डिसीजन। अब ये बताइए डियर स्टूडेंट, कोई मुकुट निर्णय लेगा? नहीं लेगा। किसी का क्राउन निर्णय लेगा? नहीं। जिसके सिर पर क्राउन है वो व्यक्ति निर्णय लेगा। तो क्राउन को क्या कर दिया है? पर्सोनिफाइड कर दिया है। जब भी थिंग्स को पर्सोनिफाइड किया जाएगा उसका हमें पजेशन शो करना है तो हम ऑफ का यूज नहीं करेंगे। हम किसका यूज करेंगे डियर स्टूडेंट? एपोस्ट्रॉफी एस का यूज करेंगे। ओके अंडरस्टैंड डियर स्टूडेंट। अब नेक्स्ट मूव करेंगे हम, इसको आप कॉपी कर लें, वीडियो पॉज करके नेक्स्ट रूल्स कंप्लीटली एक बार में एक स्लाइड पर हो जाएगा। आई होप आपने कर लिया होगा। नेक्स्ट भी देखें डियर स्टूडेंट, एपोस्ट्रॉफी एस का यूज कहां होता है? एपोस्ट्रॉफी एस का यूज किस किस कंडीशन में और होता है डियर स्टूडेंट? आपने सबसे पहले देखा डियर स्टूडेंट, सबसे फर्स्ट एपोस्ट्रॉफी एस के यूज के लिए हम लेंगे यदि विद द एपोस्ट्रॉफी एस यूज विद द नेम ऑफ प्लेस हो या कंट्री हो वहां पर भी हम एपोस्ट्रॉफी एस का यूज करते हैं। जैसे हमने कहा आगरा का क्लाइमेट, तो आगरा इज द नेम ऑफ प्लेस, तो प्लेस है, इसलिए हमने इसमें एपोस्ट्रॉफी एस का यूज किया है। या हमने कहा जैसे चाइनास पॉपुलेशन ऐसे बोलेंगे। या हम कहें जैसे फिरोजाबाद, आप जानते हो
फिरोजाबाद बिजनेस बिजनेस, इसका मतलब फिरोजाबाद की बिजनेस आप जानते हो चूड़ियों का काम होता है, तो फिरोजाबाद हुआ, चाइना हुआ, आगरा हुआ, ये क्या है डियर स्टूडेंट, ये प्लेस है, या आपने बोला कि इंडियास के आगे आप कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है, या जैसे भारत का इंडियास फ्यूचर, भारत का फ्यूचर क्या है, बहुत ही ब्राइट है, इंडियास फ्यूचर हो गया, अमेरिकास पॉलिसी, अमेरिका की पॉलिसी, अमेरिकास पॉलिसी। तो जब भी प्लेस और कंट्री होगा तो हम एपोस्ट्रॉफी एस का यूज करेंगे। आप ऐसा ना सोचें कि लिविंग थिंग्स नहीं है आगरा तो आप इसमें ऑफ का यूज कर लें, नहीं डियर स्टूडेंट, यहीं से कंपटीशन है, यहीं से कंपटीशन है, कंपटीशन का क्वेश्चन डियर स्टूडेंट यहीं से बनता है। तो क्या लेंगे, ये हुआ आपका विद द नेम ऑफ प्लेस एंड कंट्री वी यूज अपोस्ट्रॉफी एस डियर स्टूडेंट, अपोस्ट्रॉफी एस। टाइम रिप्रेजेंटिंग वर्ब, टाइम रिप्रेजेंटिंग नाउन्स, ऐसी नाउन से पहले भी हम एपोस्ट्रॉफी एस का यूज करते हैं जो टाइम रिप्रेजेंट करती हैं। क्या रिप्रेजेंट करती हैं डियर स्टूडेंट, टाइम रिप्रेजेंट करेंगी, उनसे पहले भी हम एपोस्ट्रॉफी एस का यूज करेंगे। जैसे कोई एक महीने रुकना चाहता है, अ मंथ्स स्टे, एक महीने का रुकना, या आपने कहा अ डे डेज वर्क, एक दिन का काम, अ डेज वर्क होगा, ये भी टाइम है और ये भी टाइम है डियर स्टूडेंट। या आपने कहा अ मंथ्स अ ईयर ड्यूरेशन, ईयर्स ड्यूरेशन कहेंगे, एक वर्ष का समय, और ईयर्स ड्यूरेशन बोला जाएगा डियर स्टूडेंट, ओके। या आप कहें जैसे अ डेज जर्नी, एक दिन की यात्रा, अ डेज जर्नी होगा। तो आपने क्या देखा, जो भी टाइम रिप्रेजेंटिंग नाउन्स होंगे उससे पहले डियर स्टूडेंट हम क्या लगाएंगे, अपोस्ट्रॉफी एस का यूज करेंगे। नेक्स्ट डियर स्टूडेंट, कहाँ पर इनका यूज होता है वो भी देखें, जैसे लेंथ हो डियर स्टूडेंट, वेट हो आपका, किसी की एज हो, किनारा, एज मींस क्या होता है डियर स्टूडेंट, किनारा होता है, क्या होता है डियर स्टूडेंट, किनारा होता है। लेंथ, वेट, एज का अगर रिलेटेड नाउन है तो उनसे पहले भी डियर स्टूडेंट हम किसका यूज करेंगे, एपोस्ट्रॉफी एस का यूज किया जाता है। जैसे किसी में 1 पाउंड वेट है, अ पाउंड्स वेट होगा, ठीक है, अ फुट्स लेंथ, 1 फुट, तो फुट क्या डिस्टेंस बता रहा है डियर स्टूडेंट, ओके। जैसे ब्लेड का किनारा, ब्लेड्स एज होगा, ब्लेड्स एज, यानी वी कैन मेजर अ ब्लेड्स एज बाय दिस इंस्ट्रूमेंट, ऐसे करके बोल सकते हैं, अ ब्लेड्स एज होता है, किसी की जो किनारा होता है उसको कैसे हम मेजर करेंगे डियर स्टूडेंट। और जैसे अ स्टोन्स थ्रो होगा, अ स्टोन्स थ्रो, अब स्टोन थ्रो कितनी लेंथ तक थ्रो किया, ये आ जाएगा स्टोन्स थ्रो, ओके। यानी हम लेंथ, वेट एंड एज को रिप्रेजेंट करने के लिए इसका यूज करते हैं डियर स्टूडेंट। इसमें फोर्थ वन चीज होगी डियर स्टूडेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इनको तो आप बिल्कुल रट लें, क्या है, इडियोमैटिक एक्सप्रेशन होते हैं, इडियोमैटिक एक्सप्रेशन, इडियोमैटिक एक्सप्रेशन होता है, यानी जो भी हमारे मुहावरे टाइप की चीज होती हैं, इडियम होते हैं, उनमें हम कोई भी चीज चेंज नहीं करते हैं।
देर आर सो मैनी इडियम्स इन विच वी यूज एपोस्ट्रॉफी एस, बट आई शैल प्रोवाइड यू ओनली फ्यू इडियम्स दैट आर फ्रीक्वेंटली आस्क्ड इन कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन. प्लीज लुक एट जैसे एट, वंस, विट्स एंड. एट वंस विट्स एंड, किसी की बुद्धि का अंत हो जाना, इसका मतलब कन्फ्यूजन होता है डियर स्टूडेंट, कन्फ्यूज होना, बुरी तरह से भ्रमित हो जाना. तो इसमें जो एपोस्ट्रॉफी आ रही है इसमें कोई भी आप अपना तर्क न लगाएं, केवल आपको ये ईडियम है लर्न करना है. बहुत बार इसको कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पूछा गया है डियर स्टूडेंट, जैसे बेकर्स डजन होता है, बी ए के ई आर, बेकर्स डजन. अब आप बताइए एक डजन में कितनी चीज होती है, एक डजन में होती है 12. क्या है अब बेकर्स डजन है तो कुछ तो स्पेशल होगा, जहां भी बेकरी पे आप जाएंगे तो डजन में वो 13 चीज देते हैं. 13 थिंग्स को हम बेकर्स डजन कहते हैं. क्या कहते हैं? बेकर्स डजन, यानी जितने भी बेकरी वाले उनका दर्जन का मतलब है 13 चीज देना, न के 12 देना, एक ज्यादा देते हैं. तो बेकर्स डजन हो गया, क्या हो गया? बेकर्स डजन. एट एन आर्म्स लेंथ, इसका मतलब है डियर स्टूडेंट वेरी नियर, बहुत ही नजदीक को कहते हैं. अब एट आपने लिखा एट अ स्टोन थ्रो होता है, ये भी नजदीक के सेंस में डियर स्टूडेंट आता है. बिलो आपने लिखा बिलो वंस ओन ट्रम्पेट, TRUMPT, यानी अपने मियाँ मिट्टू बनना, अपनी ही तारीफ करना, ब्लो वंस ऑन ट्रम्पेट. ओके, ये भी है. द ओशियंस रोल मतलब दहाड़ना. क्या है? दहाड़ना है. और ये होता है कैट्स पॉ होता है डियर स्टूडेंट. ओके, कैट्स पॉ भी एक ईडियम है, समझने बहुत इंपॉर्टेंट ईडियम है. कैट्स पॉ का मतलब होता है डियर स्टूडेंट किसी व्यक्ति को, एक व्यक्ति, वन इज यूज्ड बाय अनदर फॉर रिस्की वर्क. ओके, किसी खतरनाक काम के लिए दूसरे व्यक्ति को यूज करना ही कैट्स पॉ होता है. क्या होता है? कैट्स पॉ का मतलब है डियर स्टूडेंट किसी व्यक्ति का, जैसे कहते हैं उसने मेरे कंधे पर रख के बंदूक चलाई, बंदूक तो उसने चलाई लेकिन सामने वाले को लगा कि इस व्यक्ति ने चलाई, यानी किसी व्यक्ति का यूज करना, खतरनाक काम में किसी का यूज करना कैट्स पॉ होता है. तो इस जगह पर भी डियर स्टूडेंट एपोस्ट्रॉफी एस का यूज किया जाता है डियर स्टूडेंट. ओके, अंडरस्टैंड. वीडियो पॉज करें, कॉपी करें, फिर हम आगे बढ़ते हैं. आई होप आपने कर लिया होगा. आई होप यू हैव कॉपीड ऑल दैट आई हैव रिटन ओवर व्हाइट बोर्ड डियर स्टूडेंट. ओके, नेक्स्ट रूल की ओर हम मूव करते हैं डियर स्टूडेंट. हम देखेंगे, जैसे आपने देखा होगा ये नाउंस होते हैं, क्या है? इनडेफिनेट जो नाउन यूज किए जाते हैं या हम उनको प्रोनाउन कहेंगे, तो जैसे नोबडी, क्या है? नोबडी है, एवरीबडी है, एवरीवन है, एवरीवन है, नोबडी, एवरीबडी है ना, एवरीवन, समबडी, समबडी, समवन. ओके, नोबडी, एवरीबडी, एवरीवन, समबडी. ओके, ये आपका हो गया, एनीवन का हो, एनीवन,
यदि इनसे साथ अगर हमको नाउन का रिलेशन देना है, इनके साथ यदि हमें नाउन का रिलेशन देना है, तो कहने का मतलब वी यूज अपोस्ट्रॉफी एस का यूज करेंगे डियर स्टूडेंट, यदि हमें इनके साथ कोई भी रिलेशन शो करना है। ओके, जैसे आपने कहा हर बच्चे की कॉपी चेक की जाएगी, एवरी बडीज नोटबुक विल बी चेक्ड, विल बी करेक्टेड, विल बी करेक्टेड कहो या नॉट, विल बी टेकन फॉर दिस प्रोजेक्ट, ऐसे कर दो, चलो फॉर दिस प्रोजेक्ट। अब यहां पर देखा एवरीबॉडी के साथ आपने इसके साथ अपना पजेशन शो किया, तो किसका यूज हुआ डियर फ्रेंड, एपोस्ट्रॉफी एस का यूज होता है। इसके साथ ही साथ डियर फ्रेंड कंपैरेटिवली ये चीज भी देखें, जैसे नथिंग होता है एक वर्ड, क्या होता है डियर फ्रेंड, नथिंग या एनीथिंग, एनीथिंग या एवरीथिंग, क्या डियर स्टूडेंट हुआ, नथिंग हुआ, एनीथिंग हुआ, एवरीथिंग हुआ। ओके, या समथिंग कहें, क्या कहें, समथिंग। इनके साथ डियर स्टूडेंट कोई चीज शो करनी है तो वी यूज ऑफ, हम ऑफ का यूज करेंगे टू एक्सप्रेस पजेशन एक्सप्रेस करने के लिए। स्टूडेंट हम किसका यूज करेंगे, ऑफ का यूज करेंगे, किसका यूज करेंगे, ऑफ का। जैसे प्रत्येक वस्तु की सुंदरता की तारीफ की जानी चाहिए, है ना, तो लिखेंगे द ब्यूटी ऑफ एवरीथिंग, द ब्यूटी ऑफ एवरीथिंग विल बी प्रेज्ड हियर, यहां प्रत्येक वस्तु की सुंदरता की तारीफ की जाएगी, द ब्यूटी ऑफ एवरीथिंग विल बी प्रेज्ड हियर। तो एवरीथिंग था इसलिए हमने किसका यूज किया, ऑफ का। एवरीथिंग्स ब्यूटी नहीं कहेंगे, क्या नहीं कहेंगे, ये रॉन्ग होगा यदि ऐसा लिखा जाए, एवरीथिंग्स ब्यूटी विल बी प्रेज्ड हियर, ये रॉन्ग सेंटेंस है, इसको आपको लिखना है द ब्यूटी ऑफ एवरीथिंग विल बी प्रेज्ड हियर। ओके डियर स्टूडेंट, ब्यूटी ऑफ एवरीथिंग विल बी प्रेज्ड हियर। ओके, ये रहा डियर स्टूडेंट, आगे हम चलेंगे। हमने देखा कि इसको हमने देखा कंपाउंड नाउन का भी एक पजेसिव केस होता है डियर स्टूडेंट, किसका होता है, कंपाउंड नाउन का, कंपाउंड नाउन यदि आपके पास है, नाउन के बारे में आपको पढ़ाया, जब कंपाउंड नाउन आपको बताया गया है तो वहां से आप देखेंगे इस कॉन्सेप्ट को, तो आपको देख पाएंगे कंपाउंड नाउन होगी तो वी यूज एपोस्ट्रॉफी एस विद द लास्ट वर्ड, लास्ट वर्ड के साथ हम किसका यूज करते हैं, एपोस्ट्रॉफी एस का, जैसे फादर इन लॉ, तो यहां पर एपोस्ट्रॉफी एस आएगा डियर स्टूडेंट, मदर इन लॉज होगा, यहां पर एपोस्ट्रॉफी एस आएगा लास्ट में, जैसे मेड सर्वेंट, तो सर्वेंट्स होगा, मेड यहां फादर्स नहीं होगा, मेड सर्वेंट होगा डियर स्टूडेंट, जैसे स्टेप मदर मदर्स सन, स्टेप मदर्स सन होगा डियर स्टूडेंट। तो जो भी कंपाउंड नाउन होंगी डियर स्टूडेंट उसमें हम लास्ट में एपोस्ट्रॉफी एस का यूज
करते हैं डियर स्टूडेंट। ओके, वीडियो पॉज करें और हम आगे मूव करते हैं। आगे हम मूव कर रहे हैं डियर स्टूडेंट। प्रोनाउंस अगर डियर स्टूडेंट नेक्स्ट है डियर स्टूडेंट प्रोनाउंस, जो प्रोनाउंस होते हैं डियर स्टूडेंट, प्रोनाउंस आर रिटन बाय ओमिटिंग ओमिट करते हैं। प्रोनाउंस को क्या करते हैं, अगर सो करेंगे तो ओमिटिंग करेंगे, एपोस्ट्रॉफी एस प्रोनाउन के साथ ऑमिटिंग की जाएगी, बट एड्स एस को ऐड करते टू एक्सप्रेस पजेशन डियर स्टूडेंट। एक बार इसे टीजीटी और पीजीटी बोथ एग्जाम में किसी एक एग्जाम में पूछा गया डियर स्टूडेंट, जैसे कभी यो नहीं लिखेंगे, योर्स ट्रूली गलत है, ये नहीं दिखा, प्रोनाउन है जैसे लिखा जाएगा योर्स ट्रूली लिखा जाएगा। ओके, या जैसे आपने लिखा योर्स ओबीडियंटली, इसका मतलब यह आपका आज्ञाकारी होता है, इसका योर ऐसे वाला ये गलत है, आपका नहीं है, इसका सेंस गलत है, योर्स जो होता है ना, और फिर आगे जो वैसे आप योर्स प्यूपिल आपने कहा, इसका मतलब आपका शिष्य होगा। ओके, क्या होगा, आपका शिष्य होगा। अगर जैसे कहते हैं ना, इट्स लैग, इसके पैर अगर यूं करके लिखोगे, इट्स ऐसे करके, इसका मतलब होता है इट इज होता है, इट्स इसका मतलब इसके पैर, इट्स लेटर इसका पत्र। तो ये पजेशन दिखाने के लिए हम जब भी प्रोनाउन होगा तो एपोस्ट्रॉफी एस को ओमिट करते हैं, लगाते नहीं है डियर स्टूडेंट, और हम क्या करते हैं, उसकी बजाय हम जो प्रोनाउन होता है उसमें एस जोड़ देते हैं। वेरी वेरी स्टूडेंट डियर स्टूडेंट, काफी बार जब भी डिफिकल्ट पेपर बनते हैं, जब इस प्रकार के क्वेश्चन उसमें सेट किए जाते हैं, आप अमेज नहीं सरप्राइज रहेंगे कैसे योर्स का मतलब आ रहा है। यहाँ पर योर्स तो उधर की साइड में वजह से केस में योर होता है, जैसे योर नेम आपका नाम होता है ना, तो योर नेम बोलते हैं, लेकिन यहाँ पर क्या है, योर्स ट्रूली, तो यह पजेशन दिखाना है, क्या दिखाना है, वो तो आपका नाम हो गया, पजेशन थोड़े हुआ, आपने कहा कि आपका बैल, आपने कहा आपकी गाड़ी, तो आप यूं लिखेंगे योर्स कार, ओके, ये चीज है। इस तरीके से हम यहाँ पर ये नाउन के एपोस्ट्रॉफी एस और पजेसिव केस यहाँ पर ओवर होता है डियर स्टूडेंट, कॉपी करें, वीडियो पॉज करें। ओके, दस वी हैव कंप्लीटेड डियर स्टूडेंट नाउन, और हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे हम आपसे प्रोनाउन के साथ में। If you like this video, so please press bell icon and subscribe the channel so that you may get notification of coming videos soon as possible. I hope आपने session को enjoy किया होगा, enjoy किया है तो share भी करते जाएं, share करते हैं, देखते भी हैं, लेकिन देखिए आपके mentor आपके लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं, तो कम से कम एक like का वचन या कोई भी comment देना चाहें तो आप दे सकते हैं। You can advise us, और हम अगर होगा तो हम नेक्स्ट वीडियो में उसको जरूर लागू करेंगे, सुधार करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।